बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन की बजरंग दल के लोगों ने की पिटाई, लाइव शो भी करा दिया कैंसिल। टीवी इंडस्ट्री का फेमस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन अपनी जीत के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एमसी स्टैन इंदौर में एक लाइव कॉन्सर्ट करने पहुंचे थे। इस लाइव कॉन्सर्ट में फैंस ने भी काफी ज्यादा उन्हें पसंद किया। कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने स्टेज पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। खबर है कि हंगामा करने वाले लोग बजरंग दल के मेंबर्स थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 मार्च को एमसी स्टैन का इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था, जहां पर फैंस की काफी भीड़ लगी हुई थी। इस मौके पर हजारों की भीड़ अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंची थी। तभी कुछ लोगों ने खुद को बजरंग दल का मेंबर बताया और मंच पर पहुंचकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एमसी स्टैन के गानों में खुलेआम गाली गलौज और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाइड करने के खिलाफ हैं। यही नहीं, उन लोगों ने ये भी कहा कि एमसी स्टैन अपने रैप में ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, जिससे युवाओं पर काफी बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसी को देखते हुए लोग रैपर के कॉन्सर्ट में पहुंचे और उन लोगों ने स्टेज पर पहुंचकर न केवल रैपर को धमकी दी बल्कि उनके साथ मारपिटाई भी की है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इससे एक वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है। रैपर एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एमसी स्टैन बीच शो से निकलकर काफी तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके पीछे फैंस की भीड़ भी देखी जा सकती है। इस वीडियो को देखते हुए स्टैन के फैंस ने ट्विटर पर उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ट्विटर पर हैशटैग पब्लिक स्टैंड विद एमसी स्टैन ट्रेंड कर रहा है। फैंस का कहना है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद बजरंग दल के आदमी स्टेज तक कैसे पहुंच गए। इसके बाद रैपर ने बाकी के शोज को भी कैंसिल कर दिया है। पर आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।